हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की स्टूडे एनालिसिस वीडियो में। आज फिर से हम एनालाइज करने वाले हैं XAU/USD यानी कि गोल्ड में 1 आवर एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और गोल्ड में आज हम किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रीवियस डे यानी कल के दिन का हमारा गोल्ड में क्या एनालाइज रहा और गोल्ड ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। कल के दिन हमारा जो एनालाइज था एकदम इजी एनालाइज था। यहाँ से हमने एक सपोर्ट एरिया मार्क किया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो कल का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा ये यहाँ से हमने सपोर्ट एरिया मार्क किया था। गोल्ड इस लेवल के आसपास जब ट्रेड कर रहा था हमारा क्या व्यू था, सिंपल व्यू था ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से हमें बाइंग की तरफ ही देखना चाहिए, ठीक है, और टारगेट प्रॉफिट हमें इस एरिया के आसपास अपना रखना चाहिए। सेकेंड व्यू था अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक के बाद यहाँ से हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तभी यहाँ से हमें सेलिंग की तरफ देखना चाहिए। कंफर्मेशन किस तरीके से लिया था, कंफर्मेशन के लिए हमने यूज किया था 15 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से कंफर्मेशन लिया था, यहाँ से चार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा बहुत ही आसान कंफर्मेशन था। हमने यहाँ पे देखा मार्केट सपोर्ट एरिया पे एक W पैटर्न क्रिएट कर रहा है, डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। देखिए इस लेवल के आसपास जब ट्रेड कर रहा था तो हमारा सिंपल व्यू था मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद बाय में जा सकता है। अगर आप श्योर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया था, ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया था, साथ ही साथ यहाँ से एक सपोर्ट एरिया भी मार्क किया था कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमने देखा था मार्केट इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है, अगर आप श्योर ट्रेड करना चाहते हैं इस रेंज का ब्रेकआउट करता है और यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन देखने को मिलता तो यहाँ से हम श्योर ट्रेड कर सकते हैं बाइंग की तरफ, ठीक है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इस रेंज का ब्रेकडाउन के बाद आपको कंफर्मेशन मिले देन आप यहाँ से सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कल के दिन हमारा काफी शानदार एनालाइज रहा और काफी अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। देखिए मार्केट ने ये W पैटर्न की तरह बनाया, इसके बाद मार्केट ने इस लेवल का रेजिस्टेंस अगेन फॉल किया, एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद अगेन मार्केट यहाँ से बाय में हमें देखने को मिला, तो काफी अच्छा प्रॉफिट कल के दिन यहाँ से हमने बुक किया। चलिए आज हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं गोल्ड में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है, चलिए यहाँ से हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें अभी ट्रेडर्स एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है, अभी यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो फिलहाल में एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये पूरा एक एरिया है जो काफी अच्छे से मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट कर सकता है। तो यहाँ से इतना अच्छा सेटअप तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए अगर आपको कंफर्मेशन मिले ना तभी ट्रेड करना चाहिए, वरना ऐसे टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि हर दिन मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। अभी यहाँ से रेजिस्टेंस से हो सकता है मार्केट फॉल भी कर दे, हो सकता है मे बी फॉल वगैरह भी कर दे, ठीक है। तो आपको जैसे ही अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है, प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है, जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं उसका जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलता है सेलिंग की तरफ, तो आप सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देन अगर यहां से ध्यान दीजिए इस एरिया का ब्रेकआउट करता है मार्केट, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी होना बहुत जरूरी है, रीटेस्ट के साथ हमें जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा ना ट्रेडर्स तभी हम यहां से बाइंग की तरफ हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमें आज सेटअप देखने को मिल रहा है, इतना अच्छा सेटअप नहीं है फिलहाल में, एक रेजिस्टेंस एरिया ही देखने को मिल रहा है, इसके अलावा और कोई कंफर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है जिसके बेस पे हम यहाँ पे एनालाइज कर पाए। क्योंकि हम जो एनालाइज करते हैं एकदम सिंपल एनालाइज करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन, कोई भी इंडिकेटर वगैरह हम यूज नहीं करते, तो यहाँ पे हमें कोई इतना अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है सिर्फ रजिस्टेंस एरिया के अलावा। हमें यहाँ पे मात्र रजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक इम्बेलेंस का एरिया भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें प्रॉपर सेटअप के लिए वेट करना होगा, प्रॉपर सेटअप हमें देखने को मिलेगा, प्रॉपर कंफर्मेशन हमें देखने को मिलेगा तभी हम यहाँ से ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। अगर सेटअप नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट डे हम ट्राई करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ट्रेडर्स नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।